नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पायल और स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल टॉप मस्त में। दोस्तों, करवा चौथ का क्रेज आम लोगों के साथ साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खूब रहता है। फिल्म और टीवी की कई एक्ट्रेसेस ही नहीं, एक्टर्स भी ये व्रत रखते हैं और अपने हमसफर की लंबी उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसी भी पत्नियां हैं जो करवा चौथ का व्रत रखने में यकीन नहीं रखती। यहां तक कि कुछ तो इसके खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी भी कर चुकी है। आइए आपको बताते हैं बॉलीवुड की ऐसी ही पत्नियों के बारे में जिनमें करीना कपूर से लेकर ट्विंकल खन्ना तक शामिल है। करीना कपूर सैफ अली खान की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं करती है। उन्होंने साल 2013 में करवा चौथ को लेकर कहा था, मुझे अपना प्यार साबित करने के लिए भूखे रहने की जरूरत नहीं है, मैं उपवास नहीं कर सकती, मैं कपूर हूँ, मैं खाने के बगैर नहीं रह सकती, मैं इसे खाकर काम करके और अपनी फिल्म को प्रमोट करके सेलिब्रेट करूंगी। करीना को उसके इस बयान की वजह से जमकर ट्रॉल भी किया गया था। जी हां, अक्षय कुमार की पत्नी और पूर्व एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना करवा चौथ में यकीन नहीं रखती। उन्होंने साल 2016 में अपने एक ट्वीट में लिखा था, आजकल आप 40 की उम्र तक दूसरी शादी के रास्ते पर निकल जाते हैं, फिर उपवास का क्या फायदा, पुरुषों को अब और ज्यादा जीने की जरूरत नहीं है। दिग्गज एक्ट्रेस रत्ना पाठक भी उनमें शामिल है जो पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का उपवास नहीं करती। जी हाँ, एक बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या वे करवा चौथ का व्रत करती है तो उन्होंने भड़कते हुए कहा था, मैं पागल हूँ क्या, क्या ये डरावना नहीं है कि आजकल की पढ़ी लिखी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है, पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है ताकि उन्हें जिंदगी की कुछ वैलिडिटी और मिल सके। भारत में विधवा होना भयावह है तो इससे बचने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। सच में हम 21वीं सदी में भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। सदाबहार अभिनेता अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर ने पिछले साल करवा चौथ से कुछ दिन पहले करण भुलानी से शादी की, लेकिन वह करवा चौथ में यकीन नहीं रखती। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में लिखा था, प्लीज करवा चौथ के लिए मुझसे संपर्क ना करें, करण और मैं इसमें यकीन नहीं रखते हैं। जो कपल ये व्रत रखते हैं मैं उनका सम्मान करती हूँ। जी हाँ, शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत करवा चौथ का व्रत नहीं करती क्योंकि उन्हें खाने से बेहद प्यार है। उन्होंने पिछले साल शाहिद कपूर को टैग करते हुए अपनी एक पोस्ट में लिखा था, बेबी मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं खाने को भी प्यार करती हूँ, इसीलिए हमारे हमेशा के थ्रीसम के लिए हैप्पी करवा चौथ, अगले साल फिर कोशिश करूंगी, आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों के लिए हमेशा कामना करूंगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि क्या करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए लेडीज को या नहीं। साथ ही वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल टॉप मस्त को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।